गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास सेकंड सब्जेक्ट मैथ। देखिए आपका पेज नंबर 17 था, इसकी हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फॉर्म द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, ये खाली जगह दे रखी है, ये हमें इनमें नंबर रखने हैं। तो देखिए आपको पहला दे रखा है, जैसे देखिए वंस प्लेस पे 7 है, तो वंस प्लेस पे 7 लिखा है, 60 यानी टेंस प्लेस पे 6 है, तो टेंस प्लेस पे 6 रखा है, और 100 प्लेस पे 5 है, तो 100 प्लेस पे 5, जैसे ये बताए थे हमने उसी प्रकार। तो देखिए वंस 5 अकेला वंस प्लेस पर है, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। देखिए 50 यानी टेंस प्लेस पर भी 5 है, 5 का टेंस प्लेस 50 होता है, तो इसलिए 5 यहाँ पे लिख देंगे हम। और 100 प्लेस पे 1 है, तो 100 प्लेस पे 1, इस प्रकार आपको लिखनी है ये। देखिए 9 वंस प्लेस पे 9 है, तो आपको वंस प्लेस पे 9 लिखना है। टेंस प्लेस पे 0 है, तो आपको टेंस प्लेस पे 0, क्योंकि मैंने 0 की प्लेस वैल्यू आपको 0 बताई थी इनमें, ये आपको बताए थे, तो इसी प्रकार है ये। और 100 प्लेस पे 9 है, 900 प्लेस पे 9 है, तो आपको यहाँ पर 100 प्लेस पे 9 लिखना है, इस प्रकार। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपका वंस प्लेस पे 0 है, तो आपको वंस प्लेस पे 0 लिखना है। टेंस प्लेस पे 3 है, तो आपको टेंस प्लेस पे 3 लिखना है। 100 प्लेस पे 4, तो आपको 100 प्लेस पे 4, इस प्रकार। देखिए वंस प्लेस पे 8 है, तो वंस प्लेस पे 8, टेंस प्लेस पे 4 है, और 100 प्लेस पे 8, इस प्रकार आपको ये लिखनी है। यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 4 है, टेंस प्लेस पे 2, और 100 प्लेस पे 7, इस प्रकार। देखिए राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जैसे हम ये कर रहे हैं इसी की तरह होती है। जैसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए पहले आपको पीछे से काउंट करना है, ये वंस, ये टेंस, ये 100 प्लेस है, तो पीछे से देखो, हमने देखा 3 वंस प्लेस पर है, तो 3 वंस, 2 टेंस प्लेस पर है, तो 2 टेंस, प्लस 1 100 प्लेस पर 100, और एक होती है नंबर वाली, ये तो इंग्लिश में होती है, एक होती है नंबर वाली। देखिए जैसे 3 वंस प्लेस पर है 3 की 3, 2 टेंस प्लेस पर है, तो 2 टेंस प्लेस पर तो 20 हो जाएगी, और 1 हमारा 100 प्लेस पर है, तो 100। तो देखिए हम भी बनाते हैं इनकी, तो देखिए 4 वंस प्लेस पर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 4 वंस, इस प्रकार। प्लस 0 टेंस प्लेस पर है, तो आपको यहाँ लिखना है 0 टेंस, टेंस प्लेस पर है, तो प्लस 600 प्लेस पर है, तो आपको यहाँ पर 600 लिखना है, ठीक है। अब आती है नंबर, देखिए इसको हम 604 बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है 604, क्यों? देखिए वंस प्लेस पे 4 था 4, टेंस प्लेस पे 0 तो 0 की 0, 100 प्लेस पे 6 है, तो 600 हो जाएगी उसकी, इस प्रकार बना सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए एक और, ये 7 वंस प्लेस पर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 7 वंस, पीछे से बनाएंगे, ठीक है। प्लस 5 टेंस प्लेस पर है, तो 5 टेंस लिखना है आपको, और प्लस 5 भी, एक और 5 है जो 100 प्लेस पर है, तो आपको 500 प्लेस पर, ठीक है, 500, 5 टेंस और 7 वंस। अब देखिए नंबर में देख लीजिए, 557 है ये, तो देखिए 557, इस प्रकार भी बना सकते हो आप। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, वंस प्लेस पे 7 है तो 7, टेंस प्लेस पे 5 है तो टेंस प्लेस का यानी 50 हो जाएगा 5 का, 100 प्लेस पे 5 है तो 500, ठीक है, या फिर 557 तो 557, इस प्रकार आप इनको भी बना लोगे इसी प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, अब हमें ये शॉर्ट फॉर्म, यानी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई थी, अब इनकी शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए आप पीछे से देखिए, वंस प्लेस पे 2 है, तो वंस प्लेस की 2 की 2, टेंस प्लेस पे 6 है, यानी टेंस प्लेस 60 यानी टेंस प्लेस होता है, तो 6 है तो 6, और 100 प्लेस पे 3 है तो 3। दूसरा तरीका देखिए, 362, तो 362 हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी देख सकते हो आप। देखिए ये है 187, तो देखिए 187, इस प्रकार लिख सकते हो। दूसरा वंस प्लेस पे 7 है, टेंस प्लेस पे 8, 100 प्लेस पे 1, इस प्रकार। देखिए ये 952, तो 952 हम इस प्रकार लिखते हैं। दूसरा तरीका, वंस प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 5 है, 100 प्लेस पे 9 है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। देखिए 600, 10 और 818,
तो आप 680 लिख सकते हो इसको। और नहीं तो दूसरा तरीका वही है, वंस प्लेस पे 8 है आपका, टेंस प्लेस पे 1 है, 100 प्लेस पे 6, आप इनको इस प्रकार बना सकते हो। आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको फेयर में करने हैं।